पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू ने नवीन नगर परिषद कार्यालय की बिल्डिंग का किया लोकार्पण। पिछोर के बिजासन माता मंदिर के पास नगर परिषद कार्यालय की नवीन बिल्डिंग का लोकार्पण पिछोर विधायक केपी सिंह कग्गाजू ने किया। इस बिल्डिंग को बनाने की लागत 92 लाख आई है। नवीन बिल्डिंग के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री पिछोर विधायक केपी सिंह कग्गाजू रहे एवं इस कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष कविता विकास पाठक के साथ नगर परिषद के पार्षद भी मौजूद रहे। नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा नगर के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु एवं नगर के लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक केपी सिंह कग्गाजू ने कहा कि पिछोर में एक नया बस स्टैंड भी बनाना है। बस स्टैंड बनाने के लिए जमीन भी स्वीकृति हो चुकी है। भाजपा शासन द्वारा 1 करोड़ रुपये की राशि नया बस स्टैंड बनाने के लिए आई थी, लेकिन उस राशि का पता नहीं चला क्या हुआ है। विधायक केपी सिंह ने कहा कि न्यायालय की बिल्डिंग के सामने जो पहाड़ी पर बस स्टैंड के लिए जमीन का आवंटन कराया था, उस जमीन पर नया बस स्टैंड भी बनाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में नगर परिषद उपाध्यक्ष सौरभ गुप्ता ने मुख्य अतिथि एवं आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है, इससे कभी हम संतुष्ट नहीं हो सकते। जिस दिन जिंदगी में संतोष पैदा हो गया, उस दिन हमारी प्रगति रुक जाती है, चाहे व्यक्ति हो और चाहे कोई संस्था हो। निरंतर कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता होती है, समय और परिस्थितियों के अनुसार नई नई चीजें सामने आती हैं और उनको हमको करना पड़ना है, अपनाना चाहिए। अभी पिछोर बस स्टैंड के लिए और जो मेरा विचार था वो कमी अभी जरूर अखर रही है। इसी सरकार के समय 1 करोड़ रुपए उसमें आवंटन हुआ था, लेकिन वो पैसा कहां चला गया आज तक पता नहीं। जमीन आवंटित है न्यायालय के सामने, लेकिन वो पैसा सरकार की तरफ से क्यों नहीं मिल पाया ये अलग बात है। लेकिन मैंने जो प्लान बना के तैयार कराया था, बिल्कुल कहीं हो सुन रहे हो तो मेरी बात को गौर से सुन लें, और पूरा का पूरा एक नक्शा है जिसमें हमें सरकार के से एक भी पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा बस स्टैंड उस न्यायालय के सामने जो पहाड़ी है उस पर हम निर्माण कर सकते हैं।